अनुरोध करता हूं कि सर आप भी मंच पर आसन ग्रहण करें। अविनाश सर जी उसके बाद आप श्रोतागण से आप लोगों का सबका पुष्पांजलि जी
को माला पहनाकर मैं स्वागत करें। तालियों का साथ हाथ होना चाहिए। हमारे देश आलोक सर भी पहुंचे हुए हैं। आलोक सर जी को महिला बबलू जी, आप जहां कहीं पे हैं आप जल्द से जल्दी मंच पर आ जाएं। बबलू कुमार जी, तालियों का ताल पर हाथ होनी चाहिए। मंच कुमार जी, लोग खड़े होकर के अपनी जगह पर किया जाए। और भारत का संविधान बाबा साहब को नमन करते हुए मैं पा रहा हूं, सभी लोग दोहराए हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। My name is Asraf Malik and I am going to speak in Mr. GMB. Dr. Babasaheb Ambedkar was one of the greatest leaders in Indian history. Dr. Babasaheb Ambedkar's full name was Bhim Rao Ramji Ambedkar. His father's name was Ramji and his mother's name was Jean Bhimabai. Dr. B.R. Ambedkar was a society former jurist, economist and politician. Dr. B.R. Ambedkar was born on 15th April 1991 in Mohammed Pradesh, India. Dr. B.R. Ambedkar was the first Prime Minister independent in that he is called the father of the Indian Constitution. Dr. Ambedkar lived this world on 6 December 1956. He was posthumously awarded India's highest civil honor, the Bharat Ratna, in 1919. Jai Bharat. के प्रति आस्था रखने वाले उपस्थित युवाओं, गुर्जरों और देश के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी व माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और गरीबों के मसीहा थे। डॉक्टर अम्बेडकर लंक निर्माता और भारत गणराज्य के संस्थापक थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी सेवन में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हुआ था। भारत सरकार ने अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। कठिनाइयों को लड़ते हो, जो इस संगठन का निर्माण हम लोग करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सन्नी कुमार जी एवं इस सभा का संचालन कर रहे हैं महानंद बोध जी।
इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य पार्षद माता पार्वती जी एवं नगर परिषद के वार्ड सदस्य जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बड़े धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। अब मैं यह व्यवस्था कर दिया हूं कि राजा अब रानी के पेट से नहीं मतदान पेटी से पैदा होगा। मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं आपको छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। बाबा साहेब हुए मान थे निर्धन मंदर मान नीर साफ इरादे ने हुए करोड़ों में वाए क्या सदा उपकार हमारा सिर झुकाता भारत सर जय भीम जय भारत। हमें जो सब कहने का मौका दिया गया मंच पे मंचा सिंह हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो यह कार्यक्रम भगत दो वर्ष से मनाया जा रहा है, अगले वर्ष इसका स्थापना दिवस 17 तारीख को ही दिया गया था। पैसा नहीं बचता परिवार बड़ा मुश्किल से चलता है बच्चा को पढ़ाने का। मैं ऐसे लोगों को बात करना चाहता हूं बोलना चाहता हूं कि आप चाय सुबह शाम जरूर पीते होंगे
अगर चाय का भी दाम ले लेते हैं, 5-5 रुपया 10 रुपया चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, एवरेज हम 20-25 रुपया मान लेते हैं, 20 रुपया। मंच को मैं सबसे पहले नमन करता हूं एवं तमाम माताएं बहनों को भी मेरा नमस्कार, उन्हें भी नमन करता हूं। आज बाबा साहब का जन्म स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम आज ही तय था, इसलिए दोनों प्रोग्राम को ये किया गया है। वेलकम टू ऑल द चीफ गेस्ट एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर टुडे, माय नेम इज संजना कुमारी एंड आई एम गोइंग टू स्पीक अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज एन इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्मर एंड ए पॉलिटिशियन। He is also now as Baba Saheb. He was born on 14th April 1891 at Mahu in Madhya Pradesh. His father's name was Ramji Maloji Satpal and mother's name was Bhima Bai Satpal. He always called for the equality of untouchables. He became the first law minister of the independent India. He is also called the father of the Indian Constitution. His birth anniversary is celebrated as Ambedkar Jayanti every year. He was died on 6 December 1956 in Delhi. He was a great personality who devoted his life to the nation. Jai Bhim Jai Bharat. Thank you. धन्यवाद। दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति स्थापना हुई है यह दूसरा साल है। पोस्टर में आगे लिखा हुआ है सबसे पहले को ना प्रशिक्षित बनो, दूसरा लिखा हुआ है संगठित हो, तीसरा है संघर्ष करो। तीन बात अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी जिंदगी में हम धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन हम उतारेंगे ही नहीं। कारण इसका है कि हम लोग का आपस में बनाव नहीं है। अगर हम बनते हैं तो दूसरा मूर्ति लेता है, मूर्ति स्थापना किया गया उस तोड़ता दिया गया, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि प्राप्त ज्योतिबा फुले के चरणों को नमन करते हुए मेरे माताओं बहनों में आत्मविश्वास रखने वाली, मेरे माताओं बहनों में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें पूछो